उसके बाद आप चीज़ें शुरू कीजिएगा। जैसे हम टॉपिक जो चल रहा है हमारा है नंबर कन्वर्जन, ठीक है, ऑक्टल बाइनरी, ओके, डेसिमल, ओके, और एक कन्वर्जन हमारा बचता है वो है हमारा ऑक्टल डेसिमल बाइनरी और एक हेक्साडेसिमल, हेक्सा। लेकिन ये सब जो हमारे पास नंबर है ना ऑक्टल का, डेसिमल का, बाइनरी का, हेक्साडेसिमल का, तो नंबर हम कन्वर्जन करना सीख रहे हैं, ठीक है। कन्वर्जन मतलब कि हमको ये सारे चीज़ कन्वर्ट करने आने चाहिए, ठीक। इसका थंब रूल जो है शॉर्टकट में वो है हमारा ये कोड 8421, ठीक है। तो हम इसको तीन से चार पार्ट में बनाएंगे, ठीक है। तीन से चार पार्ट में क्या क्या हमारा रहेगा, पहला रहेगा ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल, ओके। तो ये हम टॉपिक अभी करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। हम जब बाइनरी से ऑक्टल आते हैं, ठीक है, तो बाइनरी हमारा कुछ नंबर रहता है 1011, ठीक है। हम इससे ऑक्टल बनाना चाहते हैं, तो ध्यान रखना है कि हमको क्या करने का है कि ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे हमारा यहाँ पे है 1 2 3, तो हम 3 का पेयर लेते हैं, 3 का पेयर लेते हैं, ठीक है। 3 का पेयर लेकर के हम कैसे काम करते हैं वो है हमारा कि 0011, ठीक है, 011। फिर इधर भी हमका हमें 3 का ही पेयर लेने का है, तो इधर और जीरो तो है नहीं यहाँ पे, तो हम एक्स्ट्रा जीरो लेते हैं। क्या क्यों ले रहे हैं ऐसा, क्योंकि अगर हमारे पास जो पैसे हैं 10 रुपीज़ है, ठीक है, 10 रुपीज़ के जस्ट पीछे हम कुछ वैल्यू लगा देते हैं तो इससे हमारा करेंसी चेंज नहीं होता है, 10 रुपीज़ ही रहता है। तो उसी तरह की चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं, ओके। तो ये जो है ना, ये 3 का पेयर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, 3 का पेयरिंग, ओके। तो 3 का पेयरिंग में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमें ये जो बाइनरी है ना, बाइनरी का ही 3 पेयर करना है। तो हमने ये 3 पेयर बनाए यहाँ से, ठीक है। थोड़ा सा हम ये जो इसकी कलर है, कलर चेंज करते हैं। तो 3 का पेयर हमने ये बनाया पहले यहाँ से, ठीक, ये हमने 3 का पेयर यहाँ है, और फिर 3 का पेयर हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया। ये जो है ना, ये जस्ट लाइक ये करेंसी जैसी चीज़ें हैं, तो हमने ये किया। तो ये हुआ हमारा 100। अब हम इसके कोड अप्लाई करते हैं, ये वाला कोड, ठीक है, इतनी कोड ही अप्लाई करेंगे, 1 2 4 ही करने वाले हैं, 1 2 4 1 2 4। तो 1 2 4 अगर हम कर रहे हैं ना, तो 2 और 1 को हम प्लस करते हैं, ये दोनों को हम प्लस करते हैं, तो ये बनता है हमारा 3, ठीक है। ये 3 कैसे बन रहा है, हम ये दोनों जो हमारा हाइब्रिड है ना, ये है 1 ये है 1, तो ये दोनों को ऐड करते हैं। जैसे इसके ऊपर है 2 और उसके ऊपर है 1, तो 2 + 1 हमारा 3 होता है। फिर वैसे ही हमारा इस ये जो हाइब्रिड है ना, ये हाइब्रिड को हम यहाँ पे हमारा 1 है तो 1, इसीलिए हमारा जो ये होगा ना, ये 13 हो जाएगा, ठीक है, ऑक्टल। लेकिन अब हमको ऑक्टल से बाइनरी बनानी है, ठीक है। तो ऑक्टल से बाइनरी बनाने के लिए क्या करना रहता है कि हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा नंबर क्या है। ये नंबर है हमारा 13, ठीक है। 13 से अब हम रिटर्न इधर आ रहे हैं, ठीक है। 13 से अब हम बाइनरी बनाना सोच रहे हैं, तो हमें पता है कि जो 1 और 3 नंबर है ना, वो 3 प्लेस लेकर के ही बना, ठीक है। फिर ये भी जो 1 बना है ना, ये भी इसके अंदर 3 प्लेस है, क्योंकि हमारा इसका जो बेसलाइन होता है ना, वो रहता है, ये तो हमारा ऐसे ऑक्टल होता है, लेकिन 8 बनता कैसे है, तो 2 पे पावर 3, ठीक है, 2 पे पावर 3, इसलिए हमको 3 का ही पेयरिंग करना रहता है। अगर 3 बना है, हम यहाँ पे फिर से वही कोड लिखते हैं, क्योंकि मैंने बोला ये पूरा थंब रूल इसी पे चलता है, 8421, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसको कर रहे हैं अप्लाई, 1 2 4, हमको 3 बनाना है, तो 1 ये हम हाई करेंगे पहले 1, और उसके बाद 2 भी हाई करेंगे, और ये 0 हमको तो 4 ऐड करना नहीं है, इसे हम 0 रखेंगे, ठीक। फिर हमको 1 बनाना है, फिर से वही कोड यूज़ करेंगे 1 2 4, तो 1 बनाना है तो ओनली 1 को हाई रखेंगे, बाकी सबको 0 रखेंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं कि ये हमारा जो बन रहा है ना, सिमिलर जो नीचे लिखा हुआ है 0 0 1 0 1 1, ठीक है। तो हम इधर से गए थे, 13 बनाए, अब 13 से रिटर्न भी आ रहे हैं, तो फिर से हमको यही डेटा मिल रहा है, ठीक। तो ये हमारा इतना ही था, कट लगाएं इसको, पॉज करें या कट लगा।